जी सर, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जितना पहले थे वो आज भी है, अभी भी है। सर, कार्यकर्ताओं को आपने बोला है कि अलर्ट रहिए, इसके क्या मायने हैं, क्या लगता है कोई गड़बड़ी हो सकती है? अलर्ट होने ही चाहिए सर। मैनी ऑब्जर्वर्स कैंपिंग इन भोपाल फ्रॉम बीजेपी, वैष्णव, भूपेंद्र यादव एंड मैनी आर कमिंग, सो Probably they are preparing for ED, IT, CBI. सर, एक जरूरी सवाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई आप लोगों ने भी सवाल उठाए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर किस तरह से देख रहे सिचुएशन को, कैसे आप लोग नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है कि इस बार जो है वो ना हो जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने के बाद? आप पूरा पूरा एहतियात बरत रहे हैं। क्या कांग्रेस विधायकों को कहा गया है जीत के बाद सीधे सर भोपाल आए? निश्चित, सर्टिफिकेट के साथ। सर, बिकने वालों पर नजर रखी है आपने? बिकने वालों पर नजर रखी है, जैसे पिछली बार हो चुका था आपके साथ, आपके अपने विश्वासी लोग थे। अब ऐसा है कि कौन कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब उस तरह के लोग हमारे पास नहीं है। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के साथ थे, इस बार दूसरे उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में वो फैक्टर नहीं तो और कहाँ होंगे? कितनी सीटें सर लग रही हैं कि? मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ, 130 प्लस। सर, निर्दलीय और इन बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखिए। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं लगातार, उनके बयान आ रहे ना केवल विदाई तय है लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त। 2000 आज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे? अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा काम? जो होने की बात यह है, जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर, पोस्टर्स लगाए गए हैं शुभकामनाओं के, कमलनाथ जी पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर, पूरे लगाने वाले से पूछो। सर, 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप? हाँ जी, हाँ जी। सर, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जितना पहले थे वो आज भी है, अभी भी है। सर, कार्यकर्ताओं को आपने बोला है कि अलर्ट रहिए, इसके क्या मायने हैं, क्या लगता है कोई गड़बड़ी हो सकती है? अलर्ट होने ही चाहिए सर। मैनी ऑब्जर्वर्स कैंपिंग इन भोपाल फ्रॉम बीजेपी, वैष्णव, भूपेंद्र यादव एंड मैनी आर कमिंग, सो Probably they are preparing for ED, IT, CBI. सर, एक जरूरी सवाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई आप लोगों ने भी सवाल उठाए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर किस तरह से देख रहे सिचुएशन को, कैसे आप लोग नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है कि इस बार जो है वो ना हो जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने के बाद? आप पूरा पूरा एहतियात बरत रहे हैं। क्या कांग्रेस विधायकों को कहा गया है जीत के बाद सीधे सर भोपाल आए? निश्चित, सर्टिफिकेट के साथ। सर, बिकने वालों पर नजर रखी है आपने? बिकने वालों पर नजर रखी है, जैसे पिछली बार हो चुका था आपके साथ, आपके अपने विश्वासी लोग थे। अब ऐसा है कि कौन कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब उस तरह के लोग हमारे पास नहीं है। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के साथ थे, इस बार दूसरे उसमें? ग्वालियर चंबल संभाग में वो फैक्टर नहीं तो और कहाँ होंगे? कितनी सीटें सर लग रही हैं कि? मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ, 130 प्लस। सर, निर्दलीय और इन बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखिए। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं लगातार, उनके बयान आ रहे हैं। ना केवल विदाई तय है लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त। 2000 आज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे? अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा काम? जो होने की बात यह है, जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर, पोस्टर्स लगाए गए हैं शुभकामनाओं के, कमलनाथ जी पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर, पूरे लगाने वाले से पूछो। सर, 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप? हाँ जी, हाँ जी। सर,